प्लीज मेरी हेल्प करिए, क्योंकि मेरा ये चैनल के सिवा कुछ भी अर्निंग का वो नहीं है साधन। अगर ये मेरा चैनल से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है तो मुझे अच्छा रहता है। अब अपील होने के बाद, अपील सबमिटेड हो गया, वी आर हैप्पी टू शेयर दैट योर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अपील वाज सक्सेसफुल, योर चैनल कैन। मेरा चैनल है ना 7-8 घंटे में ही मोनेटाइज हो गया था अपील करने के बाद। सबसे पहले एक चैनल जो 5 अप्रैल 2023 को पेड मेंबरशिप हमने इनको प्रोवाइड किया, और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो एड ऑन हो चुका है और इनका चैनल हो चुका है मोनेटाइज। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आपकी मेहनत रिजल्ट आई, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था, थैंक यू सो मच चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने चैनल को किस तरीके से अपील करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, बिना अप्लाई किए हुए, बिना 4000 घंटे कंप्लीट किए हुए कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, और अपील करते टाइम कितनी वीडियो को हम डिलीट कर सकते हैं और कितनी वीडियो को प्राइवेट। लेकिन उसके पहले आपको ये वीडियो लास्ट तक पूरी देख लेनी है, अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं के चैनल को एक रेफरेंस के तौर पर हम लेकर चलते हैं, सबसे पहले इनके चैनल पर चलते हैं। यहां पर हम चैनल पर मैम के ओपन करते हैं, और यहां पर चैनल ओपन करने के बाद नीलम अजय औजा जो चैनल का नाम है, यहां पर वीडियो अपलोड की गई थी। प्रॉब्लम क्या आई थी वो मैं आपको बताता हूं, शॉर्ट की वीडियो में कुछ वीडियो इन्होंने इंस्टाग्राम से उठाकर अपलोड कर दी थी। अब जब अपलोड कर दी उसके बाद हमारे पास आए, पेड मेंबरशिप दिया, और उसके बाद इनके चैनल को एक एक वीडियो को देखा गया। वीडियो को जब देखा तो कुछ वीडियो में दिक्कत थी और बहुत सारी वीडियो में दिक्कत नहीं थी। तो अब इन्होंने पहले ही प्राइवेट कर रखा था इंस्टाग्राम वाली वीडियो, लेकिन मेरा जो रूटीन है, मेरा जो काम है, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा जब मेरे पास कोई मेंबर में आता है। तो जो काम करता हूं उसमें से आपको कुछ काम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि जब आपका चैनल आता है तो डिपेंड करता है आपके चैनल पर कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो चीजें बताना चाहूंगा कि वो कॉमन चैनल पर प्रॉब्लम रहती है, जिसको अगर आप फाइंड करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है बहुत से चैनल पर कि उनके चैनल पर दूसरे का कंटेंट, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यहां से वीडियो को उठाकर अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, और इन्हें लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पद्मश्री मिलना चाहिए। तो अब देखो शॉर्ट पर कितनी वीडियो, 1, 2, 3, 4। अब यहां पर क्या हुआ कि मैंने सब कुछ देख लिया, देखा क्या क्या था, एक एक चीजें बता देता हूं। सबसे पहले इनके चैनल पर किसी दूसरे का कोई कंटेंट ना हो, दूसरा चैनल पर जो वीडियो है, चैनल पर जितनी वीडियो है उन सभी के डिस्क्रिप्शन में इनके सोशल मीडिया का लिंक लगा हो, तीसरा सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लगा हो, चौथा कोई भी थंबनेल एक जैसा ना हो, पांचवा किसी भी वीडियो के अंदर कोई सॉन्ग सिर्फ चल रहा हो, आवाज ना हो, ऐसी वीडियो ना हो। ये पांचों चीजें मैंने चेक करी एक एक वीडियो पर, वो सारी देख ली, और देखने के बाद जब इनके चैनल पर हमें दिखा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हमने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, तब इनके चैनल को मोनेटाइज के लिए मैंने कहा मैम से, मैंने कहा आप अप्लाई कर दो। यहाँ पर देखो अप्लाई किया मैम ने, और अप्लाई करने के बाद प्राइवेट करवाया वीडियो को बहुत सारी। अभी देखो यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मैम ने लिखा मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरा सब ओरिजिनल कंटेंट है, जो मैंने इंस्टाग्राम की रील डाली थी वो आपसे मिलने के बाद ही डिलीट कर दी थी, मिलने के पहले ही डिलीट कर दी थी, उससे मेरे 4 लाख व्यूज डाउन हो गए थे। अब मैं क्या करूं भैया, आप कुछ करो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है। मैंने इनसे पूछा ये बताओ आप अपील करने का ऑप्शन आया है, इन्होंने कहा देखती हूँ। मैंने कहा देख कर बताओ, देखा तो यहाँ पर अपील करने का ऑप्शन आया हुआ था, जो कि 11 मई 2023 को है, अभी 11 मई आया भी नहीं है। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा यस अपील की वीडियो एक बनाओ, तो अपील की वीडियो बनाने के लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पर मैम को नीचे भेज दिया। अब वीडियो जो भेजा वैसे मैम ने अपील बनाया, कैसे बनाया वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वेट करिए, पूरी वीडियो देख कर जाना, समझ में आया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर इतनी गंभीर समस्या आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पेड मेंबरशिप में प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, और बिना पेड के आपको वीडियो बनाकर देते हैं कि वीडियो से अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो से ना हो पाए तो आप पेड मेंबरशिप हमारी ले लो। अब पेड मेंबरशिप जो लेना होता है उसे कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मेरे नाम पर ना कुछ इंस्टाग्राम पर फेक लोग आ गए हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है आपको। और पेड मेंबरशिप लेने के लिए सामने दो इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, इन दोनों आईडी पर क्लिक कर मैसेज कर सकते हो मुझे। मैसेज करने के बाद वीडियो कॉल लिखो, आई वॉन्ट टू पेड मेंबरशिप एंड आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल, ये दो चीजें आपको लिखना है, दो टेक्स्ट मैसेज डाल देना है। मैं जैसे ही आपका मैसेज सीन करूंगा, देखूंगा, तो आपको रिप्लाई करूंगा। जब आप मेरा इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो वहां पर एक इंस्टाग्राम आएगा technical_prabhakar83 करके, और एक technical_prabhakar_official में LL, ये सब फेक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मैं साइड में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये सब फेक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इनसे बच के रहना। और जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है
वो आपको नीचे दिख रही है, ये ओरिजिनल इंस्टाग्राम की आईडी है, और जो दोनों आईडी है उस पर फॉलोअर कितने वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई बात आपको इंस्टाग्राम पर रीच कैसे करेंगे आप मेरे से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखो नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो कुछ बोला है मैंने। मैंने इनको कहा वैसे चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है, आपके फिर भी मोनेटाइज नहीं हुआ, इसलिए आपसे अपील करवाते हैं। मैम ने कहा मैंने अपील पहले बनाया था बट रिजेक्ट हो गया, आप बताओ क्या करूं। फिर से कुछ बोला है, देखो आप ही बना दीजिए ना वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं आएगा बनाना, मैं बहुत कोशिश करती हूं लेकिन मुझसे होता देखो नहीं, YouTube का ज्यादा काम आता नहीं है। टेक्निकल प्रभाकर का मतलब यह है कि सिखाना, समझाना, बताना, जब तक आपके चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाए तब तक आपके हाथ को पकड़ के आपके चैनल को धीरे धीरे चलाना, और चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल को दौड़ाना, ये अपना काम है। तो ये काम कैसे कराया अभी देखो आपके सामने, यहाँ पर मैम ने बोला ना सुनो आप बना देंगे क्या, प्लीज मेरी हेल्प करिए, क्योंकि मेरा ये चैनल के सिवा कुछ भी अर्निंग का वो नहीं है साधन, अगर ये मेरा चैनल से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है तो मुझे अच्छा रहता है। देखा ये मैम कह रही है कि मेरा और कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, और चैनल पर अगर डीमोनेटाइज हो गया है तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, और प्लीज आप कर दो अपील की वीडियो आप कर दो। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि मैं अभी दिखा ही रहा था आपको एक एक चीजें, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैम से मैंने किस तरीके से, मैम ने कहा कि मुझे अपील वीडियो बनाना नहीं आता, लेकिन जब अपील वीडियो ना बनाना आए ना उसको बनवाते कैसे हैं, यूट्यूब पर काम कैसे कराते हैं, वो टेक्निकल प्रभाकर का काम है, कैसे करवाया वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो एक अपील वीडियो मैम से मैंने बनवाई और यहाँ पर मैम ने कुछ भेजा है। हेलो भैया ये वाला वीडियो चेक कर लीजिए, ये पिछले महीने जब मुझे रीयूज कंटेंट आया था तो मैंने पहला अपील का वीडियो बनाया था कहीं से देखकर, और फिर मैंने ये डाला था पर ये रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो डिलीट कर लिए थे। अगर ये ठीक है वीडियो तो इसी तरह का मैं दूसरा वीडियो सेम टू सेम बनाऊं। मैंने यहाँ पर लिखा वेरी नाइस बट एक प्रॉब्लम है, कैन यू इम्प्रूव। मैम ने कहा क्या बताओ, सेम ऐसा ही बनाऊं, बना लूं। मैंने कहा कि जब आप एडिटिंग का प्रोसेस दिखाते हैं तो उसमें आपको ये बोलना होगा कि अभी ये देखिए डियर टीम यूट्यूब एडिटिंग कैसे करती हूँ, ये देखिए, और थंबनेल कैसे बनाती हूँ वो भी दिखाइए। मैम को मैंने बताया, फिर मैम ने वो काम किया, और यहाँ पर एक काम जो मैम से मैंने पूछा था, और यहाँ पर देखो क्या बोला है मैम ने, सुनो। हेलो सर, मैंने अपना ना वीडियो वापस पूरा चैनल रात को 3 बजे तक चेक किया कि मेरा मोनेटाइजेशन क्यों नहीं हुआ, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं है। मैंने एक साल पहले सेम एक या दो वीडियो डाल दी थी जो कि मैंने प्राइवेट कर दी है, और इस कारण शायद मेरा है ना मोनेटाइज नहीं हुआ। अभी मैं अपनी गलती सुधार के फिर रीअप्लाई करती हूँ। सुन लिया आपने, अब सुनो। जब आपने मुझे बोला ना कि कोई वीडियो सेम तो नहीं है, तब मेरे को मन में लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में मैंने कोई वीडियो सेम अपलोड कर दी हो, तब फिर मैंने चैनल वापस उसको मतलब चेक किया तो सच में मैंने की थी, और कब की थी मुझे खुद ही याद नहीं था। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। देखा मैम ने बताया कि मैंने सेम वीडियो एक जैसी, देखो क्या होता है बहुत सारी वीडियो देखते हैं और देखते टाइम हम पूछते हैं, आपसे पूछेंगे, जैसे आपको अगर अपलोड करते हैं आप अपने चैनल पर वीडियो तो आप बेहतर तुरंत बता पाएंगे। हमारा काम क्या है, हम आपसे एक एक क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चनिंग में ही सारा आंसर मिल जाता है। आपसे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ भैया ये चीज किया था क्या, ऐसे किया था क्या, ये काम किया था क्या, टाइटल सही लगाया था क्या, टैग सही लगाया था क्या, ये सारी चीज पूछते हैं। उसके बाद मैम ने बताया यहाँ पर कि सर ऐसे ऐसे है। फिर मैम ने एक यहाँ पर अपील की वीडियो बनाकर भेजी मुझे, और जो अपील की वीडियो बनाकर भेजी वो वीडियो ये है, और जो अभी यहाँ पर मैं अगर चल जाती है तो दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और अगर नहीं चलती है तो मैम के चैनल पर जाकर आप वीडियो देख लेना, वहां पर भी है, बट यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा चल रही है क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है, 23 MB की है और डाउनलोड नहीं हो रही है। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैम से मैंने अपील वीडियो बनवाई, सारी चीज़ें करवाई, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्ले ओके कर दो। मैंने इनको कहा यस ओके कर दो मतलब वो अपील, तो अपील फॉर मोनेटाइजेशन। मैम ने कहा टाइटल में क्या लिखूँ, मैंने कहा अपील फॉर मोनेटाइजेशन डियर टीम यूट्यूब। इन्होंने कहा ठीक है मैं अपील कर रही हूँ। मैंने कहा ओके कर दो। अपील करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, देखो अपील हो गया है। अब अपील होने के बाद अपील सबमिटेड हो गया, अपील हुआ है फ्राइडे को। उसके बाद यहाँ पर मैसेज, मैंने पूछा एनी अपडेट, जब अपील करवाते तो हम पूछते हैं कोई अपडेट है क्या। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, वी आर हैप्पी टू शेयर दैट योर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अपील वॉज सक्सेसफुल, योर चैनल कैन बी मोनेटाइज अगेन। आपके चैनल को यूट्यूब ने मोनेटाइज कर दिया है और अब आप अपने चैनल पर अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ पर आपने ये देखा, अब यहाँ पर लिखा जस्ट कम, फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आपकी मेहनत का रिजल्ट सामने आया, आपके बिना ये संभव नहीं था, थैंक यू सो मच। और उसके बाद देखो सर अभी मेरा एक काम और कर दीजिए, मेरा चैनल को प्रमोट कर दीजिए, ग्रो होने लगे, महीने में मुझे एक बार तो कम से कम डॉलर बन जाए, इतनी की अर्निंग हो जाए, आप कर सकते हैं, मुझे अभी आपके ऊपर बहुत भरोसा हो गया है, और आप जो भी पेड मेंबरशिप बोलेंगे वो मैं ले लूंगी इसके लिए भी। देखो मैम ने कहा कि कोई पेड मेंबरशिप, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग मैम की वीडियो को जाकर थोड़ा सा देखें, कंट्रीब्यूट करें,
और मैम की अगर हेल्प होगी तो मैं आप सबके चैनल को भी प्रमोट ऐसे ही कर पाऊंगा, क्योंकि एक दूसरे से ही कम्युनिटी बिल्ड होती है। आप लोग अगर मैम की वीडियो देखेंगे तो जरूर मैम को भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, कमेंट करेंगे। आप वहां पर कमेंट कर देना, भले ही आप मेरा नाम लिख सकते हैं वहां पर, बता सकते हैं कि मैं प्रभाकर सर की वीडियो देखकर आया था, प्रभाकर भैया की वीडियो देखकर आया था। और उसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दिल से जब किसी का कुछ भी करोगे ना कोई निस्वार्थ भाव से, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैम ने कहा पेड़ की कोई बात नहीं मैम, आप सिर्फ हम पर विश्वास कर रहे हैं। जहां पर पेड़ लगता है मैं बता देता हूं कि यहां पर आपको पेड़ मेंबर लेना पड़ेगा, यहां पर पेड़ है। लेकिन जहां पेड़ नहीं है वहां पर मैं नहीं कहता कि नहीं यहां पर पैसे दो, ऐसा नहीं है, सब जगह पैसे नहीं लगता है, ठीक है। और यहां पर सारी चीजें करवाई और उसके बाद मैम ने एक चीज यहां पर बोला, मेरा चैनल है ना 7-8 घंटे में ही मोनेटाइज हो गया था अपील करने के बाद। मेरा रात को 11:15 बजे जब ईमेल आया, देखा ही नहीं, मैं सो चुकी थी। मैंने सुबह जब मैं उठी, लेट उठती हूं मैं थोड़ा, तब मुझे वो ईमेल दिखा, नहीं तो अपील मैंने 2:30 बजे किया था और 11:15 बजे मेरा मोनेटाइजेशन भी हो गया था। सर मेरा एक महीने का अर्निंग कुछ डॉलर थे वो रुक गए थे, अप्रैल में ऐड नहीं हुए थे क्योंकि मेरा एक महीने तक मोनेटाइजेशन बंद था। तो आपको क्या लगता है वो मुझे मिलेंगे कि मेरे लैप्स हो जाएंगे? 50 दिन से ज्यादा हो गए डीमोनेटाइजेशन को, तो नहीं आएंगे। और अगर 50 दिन से कम है तो आ जाएंगे वापस। 50 दिन से कम हुए हैं, मतलब 30 दिन में तो मैंने रीअप्लाई किया था, 30-35 दिन में, और आपने जिस दिन रीअप्लाई किया था उसके दूसरे दिन ही अपील करवा दिया था, तो शायद मिलना चाहिए, देखते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके चैनल पर मान लो डीमोनेटाइज हो जाता है, जिस दिन डीमोनेटाइज होता है और आपके चैनल पर 100-200 डॉलर फंसे हुए हैं, तो वो डॉलर अगर 50 दिन के अंदर चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है तो आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे एक अपील किया एक बार, और एक बार आपने अप्लाई किया, रीअप्लाई किया और एक बार अपील कर दिया, 50 दिन हो जाते हैं कंप्लीट, और इन दोनों करने के बाद अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो पैसे आ जाएंगे, नहीं होता तो नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए था। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।